तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि गाइस आप कुछ इस तरीके का रील्स ट्रेंडिंग वीडियो कैसे बना सकते हो। तो गाइस, इस तरीके का वीडियो इंस्टाग्राम रील पे काफ़ी वायरल चल रहा है। अगर गाइस आप भी इस तरीके का वीडियो बनाना चाहते हैं तो गाइस आपको करना क्या है, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देख लेना है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगा कि आप किस तरीके का ये वाला स्टेटस रील वीडियो बना सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने के लिए आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। पहले का नाम है VPN, टर्बो VPN, और दूसरे का नाम है कैपकट एप्लीकेशन। तो गाइस, अपना कोई भी VPN आप यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं, और टर्बो VPN को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहां से अगर इसको डाउनलोड करके आपको यहां पर अपना VPN को कनेक्ट कर लेना है, और कनेक्ट करने के बाद गाइस अगर आपके पास कैपकट एप्लीकेशन नहीं है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाना, वहाँ पे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके ये वाला कैपकट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे अपना कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस मैं इस वीडियो पे जो भी मटेरियल यूज करने वाला हूँ उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कर लेना, और यहाँ पे आपको अपना कैपकट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना गाइस। यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइस आपको एक ये वाला लिरिक्स वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सिंपली गाइस यहाँ पे इस लिरिक्स वीडियो को ऐड कर लेना है। तो इस तरीके से ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद गाइस सबसे पहले करना क्या है, इस लिरिक्स वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, और इसके वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर जाना है। इसका वॉल्यूम आपको जीरो कर देना है। वैसे इसमें वॉल्यूम ऐड नहीं है ऑडियो, फिर भी आपको कर देना है जिससे क्वालिटी आपका मस्त तरीके से लगेगा। यहाँ पर इतना करने के बाद इसके एंड पे आ जाना है। यहाँ पर आपको कैपकट एप्लीकेशन का इंट्रो मिलेगा, आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। और डिलीट करने के बाद सिंपली गाइस यहाँ पे फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे 960 का रेशो सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब टैप करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे फोटो वाले ऑप्शन पे आ जाना है। फोटो के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे गाइस आपको काउंट करके 6 पिक को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे अपनी 6 पिक ऐड कर लेना, जो भी पिक आपको ऐड करना हो अपने हिसाब से 6 पिक को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं गाइस 6 पिक ऐड कर दे रहा हूँ, तो आप अपनी 6 पिक को ऐड कर लेना। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने 6 पिक को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। जैसे ऐड करोगे तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो इतना करने के बाद गाइस पिक के ऊपर क्लिक करना है, दोनों उंगली से प्रेस करके इसको इस तरीके से जूम कर लेना है। आपको इस तरीके से सभी पिक को ऐड कर देना है। तो इस तरीके से जूम करके आपको बिल्कुल बीच में अपनी पिक को इस तरीके से ऐड कर देना है। तो यहाँ पे अपनी जितनी भी पिक हैं सभी को इस तरीके से क्लिक करके आपको यहाँ पे जूम करके ऐड कर देना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे सभी पिक को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद गाइस आपको करने के सिंपली स्टार्टिंग पे आना है। देना आपको यहाँ पे ऐड आईडी ऊपर क्लिक कर देना है, एक्सट्रैक्ट आईडी ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे गाइस इस वाले वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से आगे इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपका ये आईडी ऐड हो जाएगा। तो आईडी ऐड होने के बाद गाइस इस तरीके से आपको कर लेना है। करने के बाद करने गए तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो आईडी ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे गाइस आपको यहाँ पे आगे आ जाना है, और इस आईडी के ऊपर अपना क्लिक कर देना है, और मैच बीट पे चले जाना है। मैच बीट पे जाने के बाद गाइस यहाँ पे ओपन करके देख लेना है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट बीट यहाँ पे आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पे बीट कर लेना है, इस तरीके से ऐड बीट कर लेना है। तो यहाँ पे क्लिक कर लेना, फिर से आगे क्लिक करके आपको यहाँ पे ओपन करके देख लेना। तो यहाँ पे गाइस हल्का सा जो झनकार वाला बीट होगा उस पर आपको टैप करना है। यहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा है उस पर नहीं करना है। तो यहाँ पे इधर पे इतना आगे आ जाना है, इस बीट पे आपको क्लिक कर देना है, फिर से आगे आ जाना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाना है, यहाँ पे आ जाना है, बीट पे क्लिक कर देना है, फिर से आपको। तो इस तरीके से गाइस आपको यहाँ पे सभी बीट पे ये क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद टिक करना है। टिक करने के बाद गाइस स्टार्टिंग पे आना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद अपनी पिक के ऊपर आपको यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करना है। इस लीड के ऊपर क्लिक कर देना, और इस पिक को आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद गाइस आपको फिर से नेक्स्ट पिक पे आ जाना है, और पिक के ऊपर क्लिक करना, इस लीड कर देना है, और एक्स्ट्रा भाग आपको यहाँ पे कट कर देना है। फिर से अगली पिक पे आ जाना है, अगले बीट पे, और यहाँ पे इस तरीके से स्प्लिट करके आपको एक्स्ट्रा भाग पिक का हटा देना है। फिर से अगली पिक पे क्लिक कर देना है, इस लीड पे आ जाना, और इस पिक के ऊपर क्लिक करके डिलीट कर देना है, और यहाँ पे फिर से अगली पिक पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस लीड के ऊपर क्लिक कर देना, और इस पिक को आपको डिलीट कर देना है।
फिर से आपको यहाँ पे लास्ट वाली पिक के आ जाना और इस लास्ट वाली पिक की भी लेंथ को इस तरीके से मैच करा देना है। मैच कराने के बाद गाइस आप इस वाले बीच वाले ऑप्शन पे आना है, ये जो दोनों पिक के बीच में व्हाइट व्हाइट कलर का आ रहा है इसके ऊपर अपना क्लिक कर देना। और क्लिक करने के बाद गाइस देख सकते हो यहाँ पे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे आगे की ओर आ जाना है। यहाँ पे इस तरीके से इसको स्क्रॉल कर लेना है, तो इस तरीके से स्क्रॉल करते हुए आपको यहाँ पे करना ही क्या है, इस तरीके से आ जाना है। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे गाइस आपको ब्लैंच वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इसकी ड्यूरेशन को कुछ भी अपने हिसाब से इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसकी ड्यूरेशन आप यहाँ पे 0.2 कर देना है या 0.3 कर देना, आपको 0.3 कर देना है और अप्लाई टू वाले के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो इस तरीके से बिल्कुल सही तरीके से ऐड हो गया है, तो यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल सही से ऐड हो गया है। और इस लास्ट पिक को आके अपने आइडियो के हिसाब से इसको सेट कर लेना है, तो इस तरीके से सेट कर देना है। सेट करने के बाद गाइस आपको फर्स्ट पिक पे आ जाना है और पिक के ऊपर क्लिक करना, ऐड इस एनिमेशन के ऊपर क्लिक कर देना है, देन आपको कॉम्बो पे क्लिक करना है। और कॉम्बो पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे इस तरीके से करने के यहाँ पे आगे की ओर आ जाना है। आगे की ओर आने के बाद गाइस आपको यहाँ कुछ इस तरीके से ये वाला ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आपको काउंट कर लेना है 1 2 3 4 फोर नंबर का, यहाँ पे आपको एनिमेशन को ऐड कर देना है। इस तरीके से यहाँ पे क्लिक कर देना है, फिर से अगली पिक पे क्लिक कर देना है। अगली पिक पे क्लिक करने के बाद एनिमेशन पे जाना है, कॉम्बो पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे इस पे भी फोर नंबर का सिलेक्ट कर लेना है। फिर से अगली पिक पे क्लिक करना है और यहाँ पे एनिमेशन पे जाना है। और एनिमेशन पे जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे कॉम्बो पे क्लिक करके ये चौथे नंबर वाले एनिमेशन को अपनी सभी पिक पे ऐड कर देना है। इसी तरीके से आपने 6 पिक को ऐड किया है, तो आपको पिक के ऊपर क्लिक करना है, कॉम्बो पे क्लिक करके इस तरीके से अपनी पिक के ऊपर क्लिक करके गाइस आपको यहाँ पे ये वाला एनिमेशन यहाँ पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से इन सभी पिक पे मैंने ये कॉम्बो पे क्लिक करके ये वाला एनिमेशन को ऐड कर दिया हूँ। ऐड करने के बाद गाइस देख सकते हो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, आपको इसकी पिक की भी लेंथ बढ़ा सकते हैं लास्ट में अगर बढ़ाना हो। तो गाइस आपको स्टार्टिंग पे आ जाना है, जहाँ से पिक आपका स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आ जाना। वहाँ पे आने के बाद गाइस यहाँ पे इफेक्ट के ऑप्शन पे जाना है, वीडियो इफेक्ट पे चले जाना है। और वीडियो इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे गाइस आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं रेट्रो का ऑप्शन मिल जाएगा, रेट्रो पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे ब्लर वाला सेटिंग कर सकते हैं आप करना चाहें तो, रेट्रो ब्लर के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसका अर्जेशन पे जाना और इसका शार्पिन जो है अपने हिसाब से इसको सेट कर लेना, तो यहाँ पे अपना कर लेना है जो भी आपके हिसाब सही लगे अपने हिसाब से इसको कर लेना। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका ब्लर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, एडजस्ट कर सकते हैं और इसका ग्लो भी अपने हिसाब से इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने हिसाब से इसका ग्लो सेट कर लेना, फिल्टर भी अपने हिसाब से यहाँ पे पिक के हिसाब से अपना सेट कर लेना है, इस तरीके से करना है। इस तरीके से हो गया गाइस, यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद इसकी लेंथ को खींच के लास्ट तक लेके आना है। लास्ट तक लेके आने के बाद गाइस आपको करने गए स्टार्टिंग पे आना है, देन आपको यहाँ पे टैप कर देना है। और टैप करने के बाद गाइस आपके यहाँ पे एक फुल स्क्रीन वाटर पेंजी को ऐड कर लेना है। ऐड करने के लिए ओवरले पे क्लिक कर देना है, देन आपको ऐड फोटो पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपको एल्बम पे क्लिक करना है। देन गाइस आपको यहाँ पे अपने जहाँ पे भी डाउनलोड करके रखा हो आपको वहाँ पे चले आना है और उस वाटर को आप इस तरीके से यहाँ पे टैप करके ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद दोनों उंगली से प्रेस करके इसको इस तरीके से जूम करके फुल स्क्रीन पे ऐड कर देना है और इसकी लेंथ को खींच के लास्ट तक आपको लेके आ जाना है। लास्ट तक लेके आने के बाद गाइस इसको अपने हिसाब से फुल स्क्रीन पे इसको अच्छे से ऐड कर देना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो ये वीडियो बन के कम्प्लीट तैयार हो गया है। तो गाइस इस वीडियो को सेव करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है रुक पर, तो जैसे क्लिक करोगे तो गाइस आपका वीडियो सेव होने लगेगा। तो गाइस जैसे ये लाइन पूरी हो जाएगी तो आपका वीडियो बन के गैलरी पे सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है।